एगुमेंटिन डियो ओरल सस्पेंशन आज जो हमारे पास है वो गैलेक्सो का प्रोडक्ट है जो कि एक ओरल सस्पेंशन है और बच्चों को दिया जाता है। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल डाले गए हैं जो कि एमोक्सिलिन 200 एमजी एंड कैल्विनिक एसिड 28.5 एमजी है तथा इसका एमआरपी 60 रुपीज़ है और इसे 30 ml का एक बोतल रहता है। ये GSK के द्वारा बनाया जाता है तथा एगुमेंटिन डियो का टेबलेट आता है 625 एंड 325 के अंदर। एगुमेंटिन डियो ओरल सस्पेंशन जो कि बच्चों को दिया जाता है, जो कैप्सूल और टेबलेट कंज्यूम नहीं कर सकते उनको दिया जाता है तथा ये एक एंटीबायोटिक है जो कि यूज किया जाता है बच्चों के केस में तथा इसको कब डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है तथा इसको लेने से क्या बेनिफिट है या क्या साइड इफेक्ट है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। एगुमेंटिन डियो ओरल सस्पेंशन जो कि यूज किया जाता है ये ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और ट्यूबरक्लोसिस में जैसे कि टीबी वगैरह में तथा ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट रहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तथा रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक तथा स्किन, बोन और टूथ पे जो कि यूज किया जाता है इन सब केसेस में तथा इसको अगर आप ज़्यादा दे रहे हो बच्चों को, डॉक्टर की सलाह से नहीं दे रहे हो तो नोजिया हो सकता है बच्चे को, वॉमिटिंग हो सकता है बच्चे को, अबनॉर्मल पेन हो सकता है और एलर्जिक स्किन रिएक्शन हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है अगर आप बच्चे को ज़्यादा दे रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं दे रहे हो तब होता है तथा एगुमेंटिन डियो ओरल सस्पेंशन को डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए तथा उसका फिक्स डोज रखना चाहिए। तब जब भी ये बच्चे को दे तो इसको शेक वेल बिफोर करके ही दे तथा इसको खाना खाने के बाद ही इस सस्पेंशन को दे ताकि स्टोमक में अप्स एंड डाउन ना हो। एगुमेंटिन डियो ओरल सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन है जिसके अंदर दो कंटेंट है जो कि दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट है तथा एमोक्सिलिन एंड कैल्विनिक एसिड इसके अंदर डाले गए हैं। एमोक्सिलिन जो कि प्रिवेंट करता है किसको, बैक्टीरिया को तथा उसके सेल वाल को प्रिवेंट करके रखता है और बैक्टीरिया को सर्वाइव करने देता है तथा कैल्विनिक एसिड जो कि स्पेशली इनहिबिट कर देता है एंजाइम को, बीटा लैक्टेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है और बैक्टीरिया को रेसिस्टेंट कर देता है उनके ग्रोथ को तथा ये दोनों कम्बिनेशन मेडिसिन एमोक्सिलिन एंड कैल्विनिक एसिड जो कि इफेक्टिवली ट्रीटमेंट करती है बहुत सारे टाइप ऑफ इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में वगैरह टाइप में काम करती है। एगुमेंटिन डियो सस्पेंशन जो कि एंटीबायोटिक है तथा इसको ज़्यादा नहीं देने का है और मल्टीपल बैक्टीरिया केसेस में नहीं देने का, इसका बेटर रिजल्ट के लिए डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए तथा सोने से पहले इसको देना चाहिए, उसके बाद फ्लूड वगैरह जूस वगैरह पिलाना चाहिए ताकि। अगर आपको एगुमेंटिन डियो ओरल सस्पेंशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसके अल्टरनेट ब्रांड की तरफ जा सकते हो। कंटेंट सेम रहता है, मॉलिक्यूल सेम रहता है, रिजल्ट सेम देता है पर ब्रांड डिफरेंट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि आपको नज़दीकी केमिस्ट में एगुमेंटिन डियो ओरल सस्पेंशन नहीं मिल रहा है तो आप अल्टरनेट ब्रांड की तरफ जा सकते हो जैसे कि HS Emclate सस्पेंशन, एगुमेंट सस्पेंशन जो कि डाइडर्स के द्वारा बनाया जाता है, मैक्सिसाइडल CV डियो जो कि मैन क्योर के द्वारा बनाया जाता है, नोवामेंटिन ड्राई सस्पेंशन तथा वॉलेक्स DS सस्पेंशन। ये जो सब स्किन पे जो ब्रांड दिख रहे हैं ये सब एगुमेंटिन डियो ओरल सस्पेंशन के अल्टरनेट ब्रांड है जो कि काम सेम करते हैं तथा कंपनी डिफरेंट है तो अपने डॉक्टर को पूछ के आप ले सकते हो, ये सब ब्रांड भी सेम काम करेंगे। एगुमेंटिन ओरल डियो सस्पेंशन के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया गया है वहाँ पर आप ईमेल करके भी पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।